है। वहां इस बीमारी के अब तक 100 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। सूरत में तो पिछले 15 दिनों में 40 नए मरीज मिले हैं। इस बीमारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने हर बड़े शहर में अलग से इसके लिए वार्ड खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यही नहीं, राज्य सरकार ने बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन के 5000 ऑर्डर दिए हैं ताकि वक्त रहते मरीजों की जान बचाई जा सके। जनक, गुजरात में भी मामले सामने आए हैं, आप हमें बताइए कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं और क्या डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है? जसमीत, देखिए, जो 100 आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, हालांकि उससे कई गुना ज्यादा लोग हैं जो म्यूकरमाइकोसिस के शिकार हुए हैं। उसमें पोस्ट कोविड कह सकते हैं इसको, छठे दिन जब आप स्वस्थ हो जाता है मरीज, उसके छठे दिन से इसके लक्षण शुरू हो जाते हैं। नाक से खून बहना होता है, सांस लेने में दिक्कत होना, पानी बहना होता है, तो कुछ जो जिस तरीके से कोविड में लक्षण देखे गए थे बिल्कुल उसी तरीके से कुछ होते हैं। लेकिन दांतों में दुखना, गले में दुखना, ये भी उसके सिम्टम्स है। और उसके बाद ये पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट होने के बाद तुरंत अगर इस तरीके कोई संक्रमण, इस तरीके कोई लक्षण दिखे तो फौरन कंसल्ट करना चाहिए। दरअसल जो जानकार है ये बता रहे हैं कि जब कोरोना के वायरस को मारने के लिए स्टेरॉइड जब दिया जाता है तो स्टेरॉइड शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ा देता है और उसके चलते ये चीजें होती है। और जो मरीज पहले से शुगर या डायबिटीज का पेशेंट है उसको ये चीजें ज्यादा होती है, या स्किन डिसीज जिसको हुआ है उस तरीके से जो लोग हैं उनको ये दिक्कतें ज्यादा होती है। तो कई लोग हैं जो गुजरात में जान गंवा चुके हैं, जो कई लोग हैं जिनकी आंखें चली गई है। तो इस गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जो बड़े शहर हैं वहां पर अलग वार्ड खोलने के आदेश दिए। और जहां तक इंजेक्शन सप्लाई का सवाल है, वो शॉर्टेज होने के चलते सरकार रेमडेसिविर की तरह जिस तरीके से दिक्कत में आई उस तरीके से नहीं रहना चाहती, और इसके चलते पहले ही उन्होंने ये ऑर्डर दे दिए हैं और हो सकता है कि बहुत जल्द उसकी जो दवाइयों की डिलीवरी है वो भी सरकार को मिल जाएगी। ठीक है जनक, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को अपना शिकार बना रहा है और इस बीमारी के लक्षण आंखों में जलन, सिर दर्द, आधे चेहरे पर सूजन, नाक बंद होना और साइनस की समस्या का बढ़ना बताया जा रहा है। इस बीमारी को ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है और जो आंख और चेहरे से होते हुए दिमाग तक पहुंच रहा है। आनंद, हमने इस बीमारी के लक्षण बताए हैं लेकिन राज्य सरकारों के लिए तो चुनौती है ही, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात में काफी ज्यादा मामले हैं जो कि सरकारी आंकड़े हैं। केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ चुकी है। जी देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ चुकी है। और जसप्रीत, दिल्ली में भी एक डॉक्टर है, कल उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने, वो एक आई स्पेशलिस्ट है, महिला है, और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो ब्लैक फंगस है इसको लेके दिल्ली में भी 4-5 लोगों ने उन महिला डॉक्टर को संपर्क किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। हालांकि खुले तौर पर अभी इसके प्रमाण सामने नहीं आए, ना ही कोई हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जो निजी डॉक्टर है उनसे जरूर लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं। जो कोविड से सही हो गए हैं उन्हें आंखों में अलग तरह की दिक्कतें हो रही हैं, और जाहिर तौर पर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए खतरा ज्यादा है, या जिन्होंने किडनी की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो नया वायरस है, जो नई वेव है, उसमें अब ये भी देखने में आ रहा है कि जो लोग कोविड से सही हो जा रहे हैं उन्हें कोई दूसरी बीमारी जकड़ रही है। इससे कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार निपटेगी और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ, वो निपटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, बेड की मारामारी है और लोगों की लगातार जाने जा रही है, उस दौरान अगर कोई मरीज कोविड से सही हो जा रहा है और उस तरह की नई बीमारी उसको जकड़ रही है तो ये काफी गंभीर है। और इसको जाहिर तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात में केस सामने आए तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है ICMR इस पे जरूर कोई विचार कर रहे होंगे कि इस बीमारी से कैसे निपटा जाए या क्या डू और डोंट्स बनाए जाएं ताकि जो लोग कोविड से सही हो जा रहे हैं, रिकवर हो जा रहे हैं, वो इस तरह की बीमारी की चपेट में ना आए। ठीक है आनंद, आप सभी बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। तो लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि जो ब्लैक फंगस है इसके क्या क्या लक्षण हैं। देखिए, आंखों में दर्द और जलन होती है, सिर दर्द रहता है और इसके अलावा आधे चेहरे पर सूजन भी होती है, चेहरा सुन्न हो जाता है, तमाम लक्षण हैं जो इस बीमारी में हैं। नाक बंद हो जाती है और अधिकतर जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं 5वें-6वें दिन उनको ये लक्षण देखे जा रहे हैं। दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, महाराष्ट्र में ये मामले सामने आए हैं और चिंता ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको ये लक्षण ज्यादा हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए?
है वो कोरोना की जब पहली वेव थी तो दिसंबर महीने में देखने को मिला था, लेकिन वो हल्का लक्षण था इसलिए जो है ज्यादा असर उसका देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब कोरोना की दूसरी वेव जो है वो काफी तेज है और काफी ज्यादा लोगों को अपने चपेट में ले रही है और ऐसे में ब्लैक फंगस के केसेज भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो कोविड टास्क फोर्स है महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र सरकार इनके बीच जो है लगातार इस बीमारी को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुई है कि कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा केसेज हर दिन महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और सबसे अहम चीज कि जो कोविड से लोग ठीक हो रहे हैं उन्हें इतनी वीकनेस हो जाती है ठीक होने के बाद, उन्हें रिकवरी होने में 4 से 5 महीने का वक्त लग जाता है और इसी दौरान जो है ब्लैक फंगस के शिकार होने का खतरा उनके बढ़ जाता है। तो ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम कैसे मजबूत किया जाए, जो कोरोना मरीज जो है वो रिकवर होकर घर जा रहे हैं उन्हें किस तरह की सलाह दी जाए कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जल्द से जल्द मजबूत हो ताकि वो ब्लैक फंगस की बीमारियों के शिकार ना हो। तो ऐसे में सरकार और कोविड टास्क फोर्स के बीच लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि केसेज को देखते हुए कि हो सकता है कि कुछ अलग से वार्ड महाराष्ट्र में भी बना दिया जाए गुजरात की तरह, ताकि जो इलाज करने में लोगों को दिक्कत ना हो और लोग जाकर उसका इलाज करा पाए और लोगों की जान बचाई जा सके। जसप्रीत, ठीक है, तो गुजरात में भी ये मामले सामने आ रहे हैं और गुजरात में किस तरीके से खतरा बढ़ गया है ये आप समझिए कि 200 से ज्यादा केस हैं सूरत में ब्लैक फंगस के, 40 केस, 8 मरीजों ने आंख की रोशनी खोई है, बड़े शहरों में अलग वार्ड खोलने का आदेश दिया गया है। तो ये सरकारी आंकड़े हैं जो हमारे सहयोगी जनक भी बता रहे थे, आप समझिए स्थिति कितनी विकराल है। जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, हम ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे थे और चिंता इस बात की है कि काफी ज्यादा मरीज इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, वो भी वो जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में इस वक्त गुजरात में क्या स्थिति है, कैसे इससे निपटा जा रहा है? देखिए जसप्रीत, मैंने जिस तरीके से बताया कि सरकार अपने हिसाब से इसको लिए अलर्ट हुए क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैंने जो आंकड़े दिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए उन मरीजों के हैं। उसके अलावा जब इस तरीके से ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसके कहते हैं वो जब होता है तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, या आपको ENT सर्जन से मिलना होता है या डेंटिस्ट से मिलना होता है या न्यूरो से मिलना होता है। दरअसल जब ब्रेन तक चला जाता है ये वायरस तभी डेडली होता है। डॉक्टर जानकार ये भी बता रहे हैं कि अगर इनिशियल स्टेज में आप म्यूकोरमाइकोसिस इसके लक्षण मिलने पर अगर आप कंसल्ट करते हैं तो फौरन ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक समझ आता है लोगों कोरोना से बाहर उभरे होते हैं, 6 दिन के बाद ये सिम्टम पोस्ट कोविड है, यानी आप कोविड से स्वस्थ हो गए हैं और 6 दिन के बाद ये इस तरीके से सिम्टम दिखते हैं और उसमें अगर कोई कोताही अगर आप बरतते हैं तो ये डेडली साबित हो सकता है। मोरबी में इसके केसेस सबसे ज्यादा है, इसके बाद सूरत में केसेस ज्यादा है और अब जाके अहमदाबाद में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार अलर्ट पर हुई और कहा कि अब जो बड़े शहर है, चूंकि आसपास जितने बड़े जो 8 महानगर हैं वहां पर जो बड़े शहरों के अंदर जो स्पेशल वार्ड खोले जाए और वहां पर ही सीधे मरीजों को ट्रीटमेंट दी जाए, लेकिन लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी आंकड़ा 100 बता रहा है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा है जो मरीज इससे शिकार है, जिसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। ठीक है, तो हमारे सहयोगी जानकारी